बोट इस वाले जो बोट स्पीड और स्टीम स्पीड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो ये आपके पास एनसीईआरटी में दो क्वेश्चन, एक एग्जांपल 19 है बेटे और एक एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। और ये स्पीड डिस्टेंस टाइम में आपके पास 3 क्वेश्चंस चैप्टर 4 में। मैं इंशाल्लाह पहले ये दो क्वेश्चन करेंगे और फिर डायरेक्ट चैप्टर 4 का क्वेश्चन कराऊंगा, तो उम्मीद है आप सॉल्व कर लेंगे। जी बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 3.6 पहले ये पढ़ेंगे और फिर एग्जांपल 19 करेंगे। देखो सब बच्चे जरा ध्यान से, एक्सरसाइज 3.6। तो पहले समझिए थोड़ा सा, एक्चुअली होता क्या है जब हम बात स्ट्रीम की करते हैं, फ्लो ऑफ रिवर की करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ रहे होंगे आप लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, सॉलिड्स फ्लो करते हैं From one direction to another direction, yes or no? है भाई, solids, gas, liquid. जी सर। Solid flow करते हैं? Yes, stable रहते हैं एक ही place पे। सर। हैं? Stable. Liquid? Can flow. जी, can flow. But from which direction to? Which direction? पंप का डायरेक्शन तो होता होगा फ्लो का, हमेशा बेटे डाउनवर्ड फ्लो का, अपवर्ड टू डाउनवर्ड। अगर उन्हें आप इस तरह का सरफेस अवेलेबल कराएंगे तब फ्लो करेंगे, अगर प्लेन सरफेस होगा कर ही नहीं पाएंगे। करिए, तो हमारे पास क्या है, ये सपोर्ट सीधा सा दिया हुआ है डाउनवर्ड्स, इस डायरेक्शन में ही आपका जो वाटर होगा वो फ्लो करेगा डाउनस्ट्रीम। तो आपके पास क्या है बेटे, ये आपके पास जो है ये आपका बोट। तो हम दो चीजें कंसीडर कर रहे हैं बेटे इस क्वेश्चन में, एक हम इस क्वेश्चन में ले रहे हैं बोट की अपनी मैकेनिकल स्पीड इन स्टिल वाटर। अगर ये जो बोट है रुके हुए पानी में चल रहा होता, लाइक हमारे पास जो जैसे कैंसे लेक वगैरह में, झील में, डैम में स्विमिंग, अगर हम कहीं पे पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा करें तो वहां पे जो बोट चलेगा उसकी स्पीड पे हम बात कर रहे हैं, उसकी अपनी पर्सनल मैकेनिकल स्पीड। तो हम उसको कंसीडर करेंगे कि ये हमारी बोट स्पीड, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर। मैं इसी चैप्टर के साथ, मतलब इन्हीं दो क्वेश्चन के साथ चैप्टर 4 के क्वेश्चंस कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान से देखते रहिए दोनों बच्चे सब बच्चे। तो हमने इसको सपोज करा x ले लिया, और जो बेटे हमारे पास पानी की अपनी स्पीड है स्ट्रीम स्पीड, करंट स्पीड, करंट किसे कहते हैं? हाँ भाई, प्रेजेंट। क्या कहा सलमान आपने, करंट किसे कहते हैं? कौन सा वाला करंट? ये वाला करंट सर, जो बिना किसी डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम की स्पीड कांस्टेंट वाटर। हम यहाँ पे स्ट्रीम फ्लो की बात कर रहे हैं, स्ट्रीम फ्लो इस करंट एक्चुअली, ये बहना जो है ना, ये करंट, आप कहते हैं बिजली भी करंट है, बात वहां भी फ्लो की ही हो रही है।
इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो फिर हमारे पास क्या है, डाउन स्ट्रीम में हम क्या लेते हैं, स्ट्रीम बोट स्पीड को हमने एक्स लिया है बेटे, और जो वाटर जिस स्पीड से फ्लो कर रहा है उस स्पीड को हमने वाई लिया है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है डाउन स्ट्रीम, तो वहां पे हम बोट की स्पीड को एक्स प्लस वाई कंसीडर करें। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, नहीं सर हमें अगेंस्ट द स्ट्रीम जाना है, तो उसे हम कहेंगे अपस्ट्रीम। अब उस केस में क्या होगा, पानी तो अभी भी बेटे डाउनवर्ड्स ही बह रहा है, बट बोट हमारी ऊपर जाना चाह रही है, तो अब यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे जो बोट की फाइनल स्पीड मानी जाएगी वो एक्स माइनस वाई मानी जाएगी। तो जो उसकी मैकेनिकल स्पीड है उस पर प्रेशर पड़ रहा है अगेंस्ट द डायरेक्शन, तो वो उसकी स्पीड को स्लो कर देगा, तो उस केस में हम उसे x माइनस वाई कंसीडर करेंगे। इसका एक सीधा सा एग्जांपल हम ये भी लेते हैं कि जैसा हम आजकल यहाँ शहरों में फ्लाईओवर्स बने हुए हैं। अब आप कहोगे सर मैकेनिकल स्पीड अलग है और इन द डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड अलग है, वो कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं बेटे कि जो हमारे पास फ्लाईओवर्स होते हैं शहरों में, ये हमारे पास फ्लाईओवर्स और ये आपके पास व्हीकल है सपोज करो, तो आपको क्या मालूम है कि ये किसी एक अपनी स्पीड से चल रहा है। ये हमारे पास प्लेन सरफेस था, तो यहाँ पे इस व्हीकल की अपनी एक स्पीड है, मैं उसको मैकेनिकल स्पीड कह रहा हूँ। अब जैसे ही ये फ्लाईओवर पे चढ़ना शुरू करता है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना आप गियर चेंज करिए, ना आप एक्सीलेटर चेंज करिए, ना आप ब्रेक लगाइए, तो मैकेनिकली कुछ भी चेंज मत करिए। तो क्या आपको ये फील होता है कि ऊपर चढ़ते वक्त स्पीड कम हो जाती है? यस सर नो? यस सर। ठीक है, हमने मैकेनिकली कोई चेंज नहीं करा है, ना हमने ब्रेक लगाया है, ठीक है, कोई हमने चेंज नहीं किया, ना हमने एक्सीलेटर दबाया है, ना हम गियर चेंज कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे बेटे आप ऊपर जाएंगे आपकी स्पीड कम हो जाएगी, कोई फोर्स इसको रोक रहा है। कौन सा फोर्स होता है वहां पे वो जी? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है नहीं? हाँ भाई जी, तो पढ़ा होगा ना आपने फिजिक्स में, तो वो माइनस कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप ऊपर से नीचे आने शुरू होते हो बेटे, तो स्पीड बढ़नी शुरू हो जाती है। इवन आप इंजन बंद भी कर दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, बट उसकी स्पीड और तेज होती जाएगी, और इवन कभी कभी तो इतनी तेज होती है कि हमें ब्रेक लगाना पड़ता है, तो फिर नीचे आते हुए प्लस हो रहा है। तो सेम बच्चे, बस यहाँ मान के चलिए मैं आपसे अगर कहूँ कि भाई अगर हम पानी के अंदर, आपको पता होगा सब बच्चों को, अगर हम कागज डाल दें या पत्ता डाल दें, तो पत्ता भी बहने लगता है या नहीं बहने लगता? हाँ भाई, तो जो पत्ता बहता है वो किस स्पीड में बहेगा? यस सर। जो पत्ता बहेगा वो किस स्पीड में बहेगा? जो पानी की स्पीड डाउन स्ट्रीम में, जो पानी किस लिए ऑब्वियस हमेशा डाउन स्ट्रीम में ही बहेगा, डाउनवर्ड्स ही बहेगा, वो अपोजिट तो जा नहीं सकता क्योंकि उसकी अपनी स्पीड नहीं है, बट वो पानी की स्पीड से बहता चला जाएगा। तो बस हमें क्या कंसीडर करना है, इतनी सारी कहानी इसलिए समझानी थी कि आपको हमेशा याद रहे कि हम क्या करेंगे बेटे, हम क्वेश्चन में अभी भी यही लेंगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम, इन तीनों में जो हमारे पास रिलेशन होता है, एकदम से इक्वेशन बनेगी, इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो वही होता है डीएसटी, distance is equals to speed into time, speed is equals to distance upon time, time is equals to distance upon speed, relation यही होता है। लेकिन जो हमें speed लेनी है, अब यहाँ हम दो case कर देंगे, in downstream और in upstream, और ये लिखने के बाद एक minute में equations बनेंगे question number 2 की। तो in downstream speed हमारी होती है x plus y, और इन अपस्ट्रीम स्पीड हमारी होती है x माइनस y। वहां पे भी आपको याद रखना है कि बोट की स्पीड को हमने x लिया है, बोट स्पीड इन स्टिल वाटर हमने x लिया है, एंड स्ट्रीम की स्पीड को हमने y लिया है। हाँ भाई ये बात समझ में आ गई, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट।
ठीक है सर, अब जरा क्वेश्चन पढ़ो और वैल्यू रखो, देखो कितने सेकंड में क्वेश्चन आ रही है। हाँ भाई, आपके पास क्या है, रितु कैन रो, प्लीज सब बच्चे जरा ध्यान से भी देख लीजिए, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो क्या कहा है उसने, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम, तो आप जो बात कर रहे हैं वो डाउन स्ट्रीम की कर रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम में कितनी बात कर रहे हैं, 20 किलोमीटर, और कितने टाइम में, 2 आवर्स में। हाँ भाई समझ में आया, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, और मैं आपको एक लाइन एक चीज और दिखा दूं, हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है फाइन, प्लीज ध्यान से देखिए, फाइन हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, जो वाटर फ्लो कर रहा है वो स्पीड, करंट स्पीड, एंड जो उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है, ठीक है, बोट की है जिसकी खुद की, वो स्पीड उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसकी स्टिल वाटर में स्पीड हमने x लिया है, वाटर स्पीड y लिया है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमने x प्लस y लिया है। तो क्या आप में से कोई बच्चा मुझे इन तीनों में रिलेशन बताएगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम में, स्पीड x प्लस y, डिस्टेंस 20, टाइम 2, तीनों में रिलेशन, x प्लस y स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेरी गुड, तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सीधा सीधा सा हो गया केस 1, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज माय फर्स्ट इक्वेशन। जरा इधर देखो हमारे पास क्या है, हमसे कह रहा है जो वहीं पे हमारे क्वेश्चन में कंटिन्यूटी, एंड अपस्ट्रीम, रितु कैन रो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ये हमारे पास है। तो यहाँ जो डिस्टेंस दिया है वो दिया है 4 किलोमीटर, और जो टाइम दिया है वो दिया है 2 आवर्स इन अपस्ट्रीम, तो इसका मतलब हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा 4 किलोमीटर और टाइम अभी भी 2 आवर्स ही रहेगा। तो इस अब हमारे पास इन तीनों में रिलेशन क्या होगा, हमारी जो अपस्ट्रीम में स्पीड है वो x माइनस वाई है, डिस्टेंस 4 है, टाइम 2 है। अब केस 2 में हमारे पास रिलेशन क्या होगा, x माइनस वाई इक्वल्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 4/2, 4/2 क्या हो गया भाई, अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, 1+2, तो 1+2 करने से क्या कैंसिल हो जाएगा बेटे, y कैंसिल हो जाएगा, x और x 2x एंड 10+2 तो x is equals to 6, ये मेरे पास। ठीक है, x को अगर 1 में रखते हैं, put in 1, तो 6 plus y is equals to 10, तो simply y is equals to 4. तो किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास आंसर। दोबारा से शॉर्ट में मुझे बताइए सब बच्चे जरा, सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो हमारे पास 2 केस हैं, ठीक है, इन डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस कवर्ड 20 किलोमीटर, टाइम टेकन 2 आवर्स, ये हमारे पास। ठीक है जी, और हमारे पास क्या है, इन अपस्ट्रीम डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम टेकन 2 आवर्स, ये मेरे पास। आपसे कह रहा है फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, स्टिल वाटर में उसको
जो हमारे पास तैरने की स्पीड कहना चाहिए और वाटर की स्पीड कहना चाहिए वो हम कह रहे हैं। तो हम यहाँ से अगर स्टार्ट करें, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, लेट आर स्पीड इन स्टिल वाटर x, स्ट्रीम स्पीड y, सो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना x प्लस y एंड स्पीड इन अप स्ट्रीम कितना x माइनस y। तो यहाँ पे आप बता दीजिए केस वन के अंदर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 20/2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4/2। सॉल्व हम कर ही चुके हैं, तो समझ में आया सब बच्चों को या नहीं ये बताइए। यस सर। कोई बच्चा ऐसा जिसे नहीं समझ में आया, प्लीज देखो जरा, यहाँ पे अब टाइम लगेगा जो हमें समझने के लिए अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जाम में आना चाहे तो। ज़रा मुझे अब इसके लिए बताइए, आप सब बच्चे के थोड़ा सा भी आप समझ पाएँ, और मैं चाहूँगा कि सब बच्चे इन्वॉल्व होने की कोशिश करिएगा क्वेश्चन के अंदर।